नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भिवानी के अनाज मंडी में किसान और आढ़ती दोनों परेशान हैं। गेहूं का उठान नहीं हो पा रहा है और किसानों को फसल का पैसा नहीं मिला। भिवानी के बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। अन्य प्रदेशों से किसानों के लिए मंडी पूरी तरह से रोक दी गई है। भिवानी में आज किसानों व आढ़तियों के लिए समस्याओं का अंबार लग गया। पल पल भिवानी श्यामानी शर्मा की विशेष रिपोर्ट। मजदूर लॉकडाउन के कारण अपने अपने प्रदेशों को चले गए हैं और वहीं पर आढ़तियों के लिए मजदूर न मिलने के कारण समस्या उत्पन्न हो गई है। आढ़तियों का कहना है कि पहले के मुकाबले केवल 25% ही मजदूर अनाज मंडी में बचे हैं। दूसरी ओर किसानों का कहना है कि अब तक उनकी फसल का पैसा नहीं मिला है, जिस कारण वे दूसरी तरफ से परेशान हैं। हालांकि सरकार के आदेश थे कि 72 घंटे के अंदर उनकी मजदूरी का पैसा मिलेगा, लेकिन एक सप्ताह से अधिक हो जाने के बावजूद भी उनका पैसा अभी तक नहीं मिल पाया। दूसरी तरफ आढ़ती भी पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। उनका कहना है कि पिछले मुकाबले 20 से 25% मजदूर ही यहां पर आ रहे हैं, जिसके कारण उठान की समस्या उत्पन्न हो रही है। अब देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। नाम प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, क्या काम करते हो? मैं किसान हूँ जी। प्रमोद जी, क्या व्यवस्थाएं हैं? आप मंडी में आए भी हो, पहले भी आप आए होंगे, गेहूँ दे करके गए होंगे, कितने पैसे मिल पाए हैं आपको? कुछ भी नहीं मिला जी। मैंने तो 22 तारीख को अनाज मंडी में गेहूँ डाला था। आढ़तियों से पेमेंट मांगी है तो वो बोल रहे हैं कि अभी तो हमारे खाते में नहीं आई है, आपको क्या दे। तो पैसे की शॉर्टेज की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। अगली फसल कैसे बोएंगे, कैसे खाद बीज खरीदेंगे, घर कैसे चलाएंगे, बहुत परेशानी हो रही है जी। सरकार से यही अपील है कि जल्द से जल्द हमारी पेमेंट कराई जाए, और तो क्या कह सकते हैं जी। मेरा नाम है सन्नी। सन्नी जी, क्या काम करते हो? अपनी अनाज मंडी में आढ़त की दुकान है, भिवानी अनाज मंडी में। अब क्या स्थिति चल रही है मंडी में? स्थिति बहुत ही खराब है जी मंडी की इस टाइम फिलहाल। सरकार के द्वारा पूरा रोष है मंडी में। किसान इस समय दुखी है, आढ़ती दुखी है, समय पे माल नहीं उठ पा रहा है और बारदाना नहीं मिल पा रहा है, ढांग लगवानी पड़ रही है माल की, माल सुखता रहा है, 5-5 दिन 6-6 दिन तक माल मंडी में रह रहा है, उठ नहीं रहा है। उठान क्यों नहीं हो पा रहा, क्या कारण है? उठान तो सरकारी जो बंदे हैं आप उनसे पूछो जी, जो जिन्होंने एफर्ड का है या DFSC का जो भी है ये काम कर रहे हैं उनसे, वो तो आपको ये बताएं उठान क्यों नहीं पा रहा। हमें तो भाई जमींदार का माल आया, उसका तोल दिया हमने, उसके बाद रख दिया, उसका पेमेंट लेट चल रही है। सरकार ने कहा था कि 72 घंटे के अंदर पेमेंट देंगे, 20 तारीख को खरीद किया, उसके बाद तो किस्त आई अभी तक? उसके बाद 15 को सरसों की खरीद चालू हुई थी, 15 तारीख की पेमेंट कल आई है जी। देख लो, कल 28 तारीख थी, 27 तारीख जो भी है, 27 तारीख को पेमेंट, 15 की पेमेंट 27 को आई है। और जो गेहूँ की आया पाई अभी तक? गेहूँ की पेमेंट कोई पेमेंट नहीं आई अभी तक किसी खाते में। किसानों को कैसे दे पाओगे आप जब आपके खाते में नहीं आई तो? किसानों के खाते में पहले तो सरकार ने कहा था कि 20 तारीख से पहले कि पेमेंट आढ़ती खाते में आएगी, उसके बाद हम आढ़ती उसके खाते में डालेगा, लेकिन अभी 27 तारीख को स्टेटमेंट आई है, चेंज कर दी सरकार ने अपनी, कि पेमेंट सीधा की सीधा किसान के खाते में जाएगी। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र जी, क्या कहोगे आज, क्या मंडी में क्या स्थिति है? जो बात मंडी में स्थिति डाउन है, काम नहीं हो रहा, ना कोई लेबर है, सब परेशानी है। कहाँ गई लेबर?
लेबर आए नहीं कोरोना की वजह से। कितनी लेबर कमी मानते हो आप, कितनी लेबर कमी है? 30% लेबर है। चार गुना मजदूरी है। कितने पहले कितने मजदूरी होती थी, आप कितने मजदूर है फिलहाल? अब तो बता लग रहे 30% है, जहाँ 100 होते थे वहाँ 30 है। तो कितनी समस्याएं हो रही है आप लोगों को? बहुत ज्यादा समस्या है। तो आपने कोई बात की अधिकारियों को, जो कुछ कहा है? नहीं, हम क्या करें, हमारे पास क्या इंतजाम है? व्यापारी अशोक कुमार। अशोक क्या काम करते हैं? हमारे का काम करते हैं। व्यवस्थाएं क्या है अगर मंडी की बात की जाए? व्यवस्थाएं में क्या है, लेबर की बहुत ज्यादा समस्या है, लेबर की कमी है, माल का उठान कम होता है, माल पड़ा पड़ा धूप में सूखता है, व्यापारी को नुकसान होता है। कितनी जो मजदूर है वो कमी है मजदूरों की? मतलब पिछले साल से मतलब चौथे हिस्से के मजदूर हैं। क्या पहले बाहर के मजदूर काम? पहले बाहर के बिहार के लेबर, यूपी की लेबर काम करती थी, वो लॉकडाउन के कारण यहाँ से चली गई। अब यहाँ लेबर है नहीं, लोकल लेबर है, उनसे काम नहीं होता। किस प्रकार से आप व्यवस्थाएं किस प्रकार बढ़ा रहे हो, किस तरह कर रहे हो? बस जितना काम हो पाता है उतना करते हैं, जितना लेबर से हो पाता है। बाकी पेंडिंग नुकसान किसको होगा इसका? नुकसान तो आड़ती को हो रहा है, किसान तो अपना माल डाल के चला जाता है तोल के कांटा करवा के। बाकी बारिश की सब तरह की जिम्मेवारी आड़ती की होती है। पैसे की बात की जाए, क्योंकि सरकार ने कहा था कि 72 घंटे के अंदर किसानों को पैसा दे देंगे, आड़तियों के खाते में क्या पैसे आ चुके हो? कोई आड़तियों खाते में अब तक गेहूँ का कोई पैसा नहीं आया 20 तारीख के बाद। किसानों को कैसे दोगे आप लोग? किसानों के सब के पैसे बकाया हैं, रोजाना किसान पैसे मांगते हैं, पर हम दे नहीं सकते जब तक हमारे खाते में नहीं आएंगे। भिवानी अनाज मंडी में किसानों के लिए पूरी व्यवस्था की हुई है। प्रत्येक दिन 200 किसान बुलाए जा रहे सरसों के लिए, 100 सुबह 100 शाम को, और उनको गेट के ऊपर अच्छी तरह सैनिटाइज किया जाता है, उनको मास्क दिए जाते हैं और उनकी पूरी व्यवस्था की हुई है, जैसे पानी की है, और यहाँ पे एक कैंटीन भी चली हुई है जो कि मुफ्त में खाना दे रही है। अगर बात की जाए दूसरे स्टेट के किसान लोगों की, तो कैसे सरकार ने उनका मतलब बंद कर रखा है कि कोई भी दूसरे स्टेट का यहाँ नहीं आएगा, उसके लिए क्या व्यवस्था है इस मंडी में? अनाज मंडी में पूरी तरह प्रतिबंध है, वही किसान आता है जिसको हमें कॉल किया जाता है। पहले वाले दिन उस किसान को हम मैसेज देते हैं कि आपको इस दिन सरसों या गेहूँ लेके आना है, उसी किसान को अंदर आने दिया जाता है। सर, भिवानी जिले से जो है राजस्थान की सीमा में लगती है, सीमाएं पूरी तरह से सील की हुई हैं, वहाँ पे पुलिस नाके लगाए गए हैं। सर, अगर बात की जाए भिवानी के मजदूरों की, तो व्यवस्थाएं क्या है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना वायरस का खतरा भी है, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? मजदूरों को हमने पास दिए हुए हैं, वह उनको मास्क दिए हुए हैं सभी को, और उनके खाने के लिए फ्री खाने के लिए भी व्यवस्था की हुई है। सर, मजदूरों की अगर बात की जाए तो क्या मजदूर पूर्ण है या कमी कुछ है? मजदूरों की जरूर थोड़ी बहुत कमी है, लोडिंग अनलोडिंग लोडिंग में जो है वो दिक्कत हो रही है। अगर सिलाई की बात की जाए, सिलाई पूरी तरह से सही है। और अन्य व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो अन्य व्यवस्थाओं के लिए किस प्रकार से अनाज मंडी के प्रशासन है वो चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रहा है? बिल्कुल एकदम चुस्त दुरुस्त है, सभी ड्यूटी वाले हाजिर हैं और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सर, किसानों की अगर बात की जाए तो इस प्रकार से उन लोगों को पैसे नहीं मिल पा रहे, क्योंकि उनकी सरकार ने किसानों के 72 घंटे में पैसे देने की बात की हुई है, तो जैसे ही ऑक्शन हो जाती है उसकी, तो ये किसान के खाते में 72 घंटे में पैसा आ जाएगा। अभी तक तो सर नहीं आ पाया, क्योंकि 3-4 दिन तो चुके मंडी खुली हुई है। आज एजेंसी वाले कह रहे थे कि आज जो है शायद पहली किस्त जारी कर दी जाएगी।